Today's topic is green plants and green trees. The trees give us oxygen and fruits, vegetables and etc. पेड़ हमें सब कुछ देती है। पेड़ के बिना अपनी कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। हम में से कई लोग ये पेड़ काटते हैं। पेड़ काटने से अपन लोग में ऑक्सीजन नहीं आता है। कई सारे पेड़ जल्दी बढ़ते हैं और पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और पेड़ कोई झड़ जाते हैं क्योंकि वो एवर ग्रीन नहीं होते। जो प्लांट्स एवर ग्रीन होते हैं वो झड़ते हैं। मैं यही कह रही था, अगर झड़ते हैं तो तीन पत्ते झड़ते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जो एवर ग्रीन नहीं होते वो जल्दी से जल्दी सारे झड़ जाते हैं। हमें किसी प्लांट से फल फूल हर चीज़ मिलती है, तो अपन ये प्लांट्स काटते जो हैं। क्यों काटते हैं? जो काटते हैं उनसे मुझे कुछ क्यों काट, इसी से तो अपन को ऑक्सीजन, फ्रूट्स, प्लांट्स सब कुछ इससे मिलता है। इसके बिना कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि यही हमें ऑक्सीजन देता है, यही हमें फ्रूट देता है। अगर अपने इधर फल अपने जो वेजिटेबल अपने हो तो अपन कुछ नहीं खा सकते, ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अगर फ्री हो एवरग्रीन प्लांट्स कभी भी झड़ते नहीं, इसका मतलब पूरा नहीं झड़ता, दो तीन पत्ते झड़ते हैं। ये बताया एग्जाम्पल भी है मेरे पास, देखो वो प्लांट्स जो मैंने बोले, कुछ कुछ शेड होते हैं, कुछ कुछ शेड नहीं होते हैं। ये प्लांट्स कुछ ये एवरग्रीन है पूरे, और ये दरअसल फ्लावर्स सबके है। एवरग्रीन कोई पेड़ में थोड़े से जड़े रहते हैं, कई सालों से एवरग्रीन ही रहते हैं। वो ट्रीज बहुत ही ग्रीन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राफ होती है। चलो अपन वो भी देखते हैं। ये कुछ मनी प्लांट्स है जो बिल्कुल एवरग्रीन है। ये बिल्कुल एवरग्रीन है, ये पीले नहीं होते, ये पूरे ग्रीन ही ग्रीन रहते, कभी ग्रीन ही है, ये पीले नहीं हुए, मतलब ये झड़ा नहीं है, ये ग्रीन है, एवरग्रीन, पूरा ही पत्ता ग्रीन है। तो हमने एवरग्रीन भी आपको दिखाया। एवरग्रीन कई सारे प्लांट्स एवरग्रीन में झड़े होते हैं, कई सारे बिना झड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं एवरग्रीन प्लांट्स। एवरग्रीन प्लांट्स में भी थोड़े बहुत पत्ते झड़ जाते हैं जो पेड़ में होते हैं। प्लांट्स में भी कभी कभी झड़ जाते हैं, स्मॉल प्लांट्स में कभी कभी ही येलो प्लांट्स निकल के आते हैं, बड़े हुए प्लांट्स निकल के आते हैं। अपने कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारे लोग कोई सारे प्लांट्स उगाते हैं। ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं उससे पहले अपन इसमें बीज डालते हैं, तब ये इसके नीचे का रूट होता है, तभी पार्ट रूट कहलाते हैं, ऊपर के पार्ट शूट कहलाते हैं, क्योंकि शूट कहलाते हैं क्योंकि
तब अपन इसमें बीज डालते हैं, तब इसके पहले रूट निकल के आते हैं, फिर प्लांट धीरे धीरे आता है, तब ये छोटा बिल्कुल छोटा प्लांट उठ के आता है, तब ये शूट कहलाता है, और फिर तब बड़ा होता है, तब प्लांट कहते हैं, उस टाइम भी प्लांट कहते हैं, लेकिन उस टाइम भी शूट कहते हैं, तब तक ये पेड़ नहीं होता, उसको शूट और प्लांट कहते हैं ऊपर की पार्ट को, और तब प्लांट हो जाता है। ये नीम के पत्ते हैं, ये अपन कड़ीज में और करीज में डालते हैं तो सब्जी बनाने के लिए, और ये प्लांट इसलिए अच्छे होते हैं, ये बहुत सारे लोग सब्जी बनाते हैं। और मैंने अभी मनी प्लांट सिखाए, मनी प्लांट में नीम के पत्ते सब इतने हो जाते हैं, तब ये भी शूट कहलाते हैं, तभी ट्री में होते हैं, इसको ट्री कहते हैं, इतने में भी ये शूट होते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम में ये प्लांट अच्छे, अगर अपन ये बारिश का मौसम चल रहा है तो अपन इसमें पानी डाल के अच्छी तरह खींचते हैं, लेकिन इसको भी क्लीमेट होता है पानी का, ठीक है। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक कर लेना। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। एक के एम को आज विद कैमरामैन आयुष कुमार।